में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को जनपद में सक्रियता से लागू करने व बाल मजदूरी पर नियंत्रण के साथ ही जबरिया उनसे कार्य कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि बाल मजदूरी पर पूरी तरीके से रोक लगाने के साथ ही इनसे जुड़े हुए लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं यदि बाल मजदूरी के संबंध में कोई व्यक्ति गोपनीय सूचना देना चाहता है तो वह सरकार की वेबसाइट पर दे सकता है, उस पर 48 घंटे के अंदर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। हाँ, आज जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक अभियान जो चलाया जा रहा है उसको रिव्यू किया गया है और इसमें इंस्ट्रक्शन जारी की गई है और ताकि जो अलग अलग विभाग इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सही रहे। और जैसे सीएमओ साहब को बताया गया है कि वो मेडिकल जो है बच्चों का तुरंत कराएं और जो दूसरे जो चाइल्ड लाइन है उनको भी बताया गया है कि बच्चों की केयर करें और कोरोना का टेस्ट भी इमीडिएट करा दिया जाए। ये अभियान अभी एक महीने चलेगा लेकिन हम इसको आगे भी चलाएंगे और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है pencil.gov.in। अगर किसी को कहीं भी चाइल्ड लेबर दिखता है तो वो उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और अपना अगर नाम बताना चाहे वो भी ठीक है, नहीं बताते तब भी ठीक है। उसमें 48 घंटे में तुरंत एक्शन होता है। हाँ, तो उनको भी मेरा ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कानून अपराध है और हम लोग उस पर